हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के पारिवारिक कले में अब श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड राजा चौधरी की भी एंट्री हो चुकी है। एक तरफ जहां राजा चौधरी श्वेता तिवारी के बचाव में उतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि श्वेता को अभिनव को उनके बच्चों से मिलने देना चाहिए क्योंकि वो रेयांश के पिता है। राजा चौधरी के बयान के बाद अब अभिनव कोहली ने भी चुप्पी तोड़ी है और एक खास इंटरव्यू में बड़ी बातें कहती है। बता दें कि अभिनव कोहली ने भी राजा चौधरी को सपोर्ट किया है और कहा है कि मैं राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि आज मैं जिस तरह की मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हूं, राजा चौधरी कई साल पहले उसी तरह की प्रताड़ना से गुजर चुके हैं। As you know, एक वक्त ऐसा था जब श्वेता तिवारी राजा चौधरी की पत्नी हुआ करती थी। दोनों का अच्छा खासा रिश्ता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और दोनों का तलाक हो गया और इसके बाद श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली से शादी कर ली। शुरुआती दौर में दोनों का रिश्ता अच्छा चला, लेकिन कुछ वक्त बाद ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक बर्दाश्त नहीं करने लगे और अब ऐसा आलम है कि इन दोनों के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं लेती। बीते दिनों अभिनव कोहली ने श्वेता पर बेटे रेयांश को अकेले छोड़ जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आया और अब इस पूरे मामले में अभिनव कोहली ने राजा चौधरी का सपोर्ट करते हुए कई बड़ी बातें बोल दी हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।